श्री राम महल की सातवीं भूमिका, किल्ली अर्श अजीम की करी जाहिर हक सुभान, वास्ते इन मोमिन के करने सब पहचान। मोमिन परम धाम से उतरे, मोमिनों को परम धाम के स्वरूप और लीला की संपूर्ण पहचान कराने के लिए पारक्रम अक्षरदीप हक शिरा जी ने इस नश्वर जगत में परम धाम के अखंड सुख को तात्म ज्ञान से प्रकट किया है। दिव्य परम धाम की भूमिका चेतन है, दिव्य है। दिव्य परम धाम की शोभा अपरंपार है। मोमिनों के दिल में परम धाम की शोभा बसी, इसलिए श्री महामती जी आप शिवराज जी के हुक्म से परम धाम की शोभा का वर्णन किया। लालदास महाजी जी की बड़ी वृत्ति में परम धाम का अति सुंदर विस्तृत वर्णन हुआ। हमारी कुलचम वाणी के परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम की 25 पक्षों का बेहद ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत हुआ। रूहों के वास्ते परम सुई जिन्होंने परम धाम की शोभा को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, ऐसे ही हमारे सदगुरु महाराज श्री चौहान दास महाराज जी, जिनकी परम धाम की बड़ी वृत्ति, इनमें परम धाम का सुंदर सरल वर्णन, इन वृत्ति के माध्यम से परम धाम की शोभा देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं सातवीं भूम का बयान। सातवीं भूम का बयान, इन पैराग्राफ में महाराज शिव जी ने सातवें भूम का अति सुंदर वर्णन किया है। इन शोभा को देखते हैं, बाहर की हार एक कम 6,000 मंदिरों की आई है और इनके भीतर एक कम 6,000 थंबों की हार आई है। इन थंबों पर एक कम 6,000 मेहराबे आई हैं। हर एक मेहराब में एक एक हिंडोला लटक रहा है, परंतु बड़ी दरवाजे की भीती तरफ एक बड़ी मेहराब आई है। ये मेहराब 2 मंदिर की लंबी आई है। इस मेहराब के दाएं बाएं 2 हिंडोला लटक रहे हैं। इस प्रकार 6,000 हिंडोला पहली थंबों की हार में शोभा दे रहे हैं। रंग महल की सातवीं भूमिका, घेर कराए बाहरी हार मंदिर। नूरमयी अति सुंदर शोभा लिए ये मंदिर, जगह तो 6,000 मंदिरों की है, पर मंदिर आए हैं 6,000 से एक कम 5,999, क्योंकि पूर्व दिशा में धाम दरवाजे के वास्ते मंदिर 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा आया है। इन मंदिरों की भीती तरफ एक मंदिर की नूरमयी गली, आगे थंबों की हार। ये थंबों की हारी 6,000 से एक कम 5,999 थंबों की आई है और इनमें 5,999 ही सुंदर अति सुंदर मेहराबों की शोभा है। नूरमयी शोभा से सुसज्जित ये नूरमयी मेहराबी, इन मेहराबों में एक एक हिंडोले की शोभा आई है। लेकिन पूर्व दिशा में धाम दरवाजे के मंदिर के सामने जो 2 मंदिर की लंबी मेहराब आई है, इन मेहराब में दाएं बाएं 2 हिंडोलों की शोभा है। तो इस प्रकार से थंबों की पहली हार में 6,000 सुंदर नूरमयी हिंडोले हुए।
सुंदर शोभा से सुसज्जित ये हिंडोली। आगे महाराज श्री जी वर्णन कर रहे हैं, इन खंभों की हार की भीती तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक हार उन खंभों की आई है। ये हार 9 कम 6 हजार की आई है। इन खंभों में 9 कम 6 हजार मेहराबे आई है। मंदिरों की बाहरी हार उनके भीतर खंभों की पहली हार जिनमें 6 हजार हिंडोलों की शोभा देखी। इन खंभों की हार से एक मंदिर की दूरी पर खंभों की दूसरी हार घेर कर आई है। इनमें 6 हजार से 9 कम अर्थात 5,991 खंभ है और इतनी ही मेहराबे हैं। 6 हजार से 9 कम मेहराबे हैं। आगे महाराज शिव जी शोभा बता रही हैं कि इस वास्ते इन मेहराबों में 9 कम 6 हजार हिंडोले आए हैं। जितनी मेहराबे उतनी मेहराबों में हिंडोलों की शोभा। ये 8 थम 28 थम की चोक में जो 28 थम का चोक है उनकी जगह पर नहीं आने से यहां मेहराबे नहीं आए हैं। पहली हार में देखा था 5,999 6,000 से 1 कम या 6,000 से 9 कम में 8 थम 28 थम की चोक में नहीं आए इसलिए ये 8 थम कम हुए। ये 8 थम 28 थम के चोक की जगह पर नहीं आने से यहां मेहराबे नहीं आई। यहां पर इनकी जगह 28 थम की चोक की छत में कुंडों के साथ साथ दाएं बाएं के हिंडोलों के ठीक सामने अंतर पर हिंडोले आएंगे। यहां जो थम नहीं आए हैं उनमें 28 थम की जो छत है उनमें इन हिंडोलों के कुंडों के ठीक सामने छत पर कुंडे आए हैं और उनमें हिंडोलों की शोभा आई है। तो इस प्रकार से यहां पर भी 6,000 हिंडोले होते हैं। महाराज शिव जी के शब्दों में देखते हैं, यहां पर इनकी जगह में 28 थम की चोक की छत में कुंडों के साथ दाएं बाएं के हिंडोलों के ठीक सामने समान अंतर पर हिंडोले आए हैं। इस प्रकार दोनों थंबों की हारों में 12,000 हिंडोले हुए। जब झूलने का समय होता है तब चक्री से जंजीरें खुलनी शुरू होती हैं और हिंडोले नीचे योग्य स्थान पर लटक जाते हैं। बाहरी हार मंदिरों से भीती तरफ जो 2 थंभों की हारें आई हैं, इनमें प्रत्येक में 6,000 हिंडोले मेहराबों के साथ छत पर लटके हुए। जब झूलने का समय होता है तो ये हिंडोले खुलकर झूलने वाले स्थान पर आ जाते हैं। तब हर एक हिंडोले में श्री राज श्यामा जी अनंत रूप होकर एक एक सखी के साथ बैठकर झूलते हैं। तब इन हिंडोलों में राज श्यामा जी अनंत रूपों में होकर एक एक सखी के संग झूला झूलते हैं।
एक हिंडोला मंदिर की गली में पहुंचकर फिर वापिस एक मंदिर आकर मध्य गली में फिर हिंडोले से मिलता है। हिंडोला आगे आकर फिर पीछे जाकर पुनः मध्य गली में आकर दोनों हिंडोले मिलते हैं। यह सातवें भूम में दो हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय कुंटों की मोहनी आवाज झनकार होती है। सातवें भूम में दो हिंडोलों की ताली पड़ती है और झूलते समय कुंडों की मधुर झनकार आप शिवराजी श्यामा जी और सखियों की आभूषणों की झनकार उनकी मीठी मीठी रसना से करी हुई बातों की गूंज चौपाई सो कहां कहूं सातवीं भूम का जो लेट खट छप्पर हक हादी रूही झूलन साम सामी बांध नजर ये हिंडोले श्री राज श्यामा जी और सखियों की इच्छा अनुसार झूलते हैं। इस प्रकार से सातवें भूम का बयान इनमें वर्णन हुआ कि सातवें भूम में हिंडोले किन स्थान पर आए हैं और झूलने की लीला के आनंद। अब इन शोभा को महाराज शिव जी के श्री वचनों से भी श्रवण करते हैं। सातवीं भूम का बयान बाहर की हार एक कम 6,000 मंदिरों की आई है। इसके भीतर एक कम 6,000 तंबू की हार आई है। इन पर एक कम 6,000 मेहराबे आई है। हर एक मेहराब में एक एक हिंडोला लटक रहा है। परंतु बड़े दरवाजे के भीतर जो एक बड़ी मेहराब आई है ये मेहराब 2 मंदिर की लंबी आई है। इस मेहराब के दाएं बाएं 2 हिंडोला लटक रही है। इस प्रकार 6,000 हिंडोला पहली थंबू की हार में शोभा दे रहे हैं। इन थंबू की हार के भीतरी तरफ एक मंदिर की दूरी पर एक हार और थंबू की आई है। ये हार 9 कम 6,000 की आई है। इन थंबों में 9 कम 6,000 मेहराबे आई हैं। इस वास्ते इन मेहराबों में 9 कम 6,000 हिंडोले आए हैं। ये 8 थंब 28 थंब की चौक में जगह पर नहीं आने से यहाँ मेहराबे नहीं आए। यहाँ पर इनकी जगह में 28 थंब के चौक के छत में कुंडों के साथ दाएं बाएं के हिंडोलों के ठीक सामने समान अंतर पर हिंडोले आए हैं। इस प्रकार दोनों थंबों की हारों में 12,000 हिंडोले हुए। जब झूलने का समय होता है तब चक्री से जंजीरें खुलनी शुरू होती हैं। हिंडोले नीचे योग्य स्थान पर लटक जाते हैं। तब हर एक हिंडोला में श्री राज श्यामा जी अनंत रूप होकर एक एक सखी के साथ बैठकर झूलते हैं। एक हिंडोला मध्य की गली में पहुंचकर फिर वापिस एक मंदिर आकर मध्य गली में फिर हिंडोले में मिलता है। यहाँ सातवें भूम में 2 हिंडोलों की ताली पड़ती है। झूलते समय कुंडों की अति मोहिनी आवाज झनकार करती है। सुख कहाँ कहूं सातवीं भूम का जो लेट छप्पर खादी रूही झूलर साम सामी बान नजर ये हिंडोले भी शिवराजी श्यामा जी और सखियों की इच्छा अनुसार झूलते हैं। ये श्री रंग महल की सातवीं भूमिका हिंडोलों की सुख या हिंडोलों की अति सुंदर शोभा हिंडोलों की 2 तालियां पड़ती हैं। यहाँ 2 ताली के हिंडोले आप शिवराजी श्यामा जी और सखियां इन हिंडोलों में झूलते हैं
तो उन समय की अति सुंदर अपार सुख रूहे लेती है झूलते समय इंडोलों की झनकार। वे इन नूरमयी गलियों में शिरडी श्यामा जी के संग अनेक प्रकार के सुख लेते हैं। रंगमहल की सातवीं भूमिका इनमें आए हिंडोलों की शोभा, इनका वर्णन अब ये सब हिंडोले खट छप्पर की भांति आए हैं। हर एक हिंडोले के नीचे चार पाए आए हैं, ऊपर दो ईश दो उपले आए हैं, ईश उपले आने से पलंग की शोभा हुई है। सुंदर रूप में हिंडोलों की शोभा फिर छप्पर की भांति, मेहराबों में झूलते ये हिंडोले, जब झूलने का मन होता है तो जंजीरें खुलती हैं और हिंडोले नीचे आते हैं। इन हिंडोलों में चार पाए हैं, चार पायों पर ईश्वर उपलों की शोभा, ईश्वर उपले आने से पलंग की शोभा हुई, बीच की सब जगह निवास से बनी हुई है, ऊपर गादला चादर तक ये सब रखी है। चार पायों पे ईश्वर उपले आने से जो पलंग बना वहां पर सुंदर गद्दे चाकड़े तकियों की अति सुंदर शोभा, चार पावा पर चार डांडे, ऊपर एक छतरी, छतरी पर एक कलश आया है। चार पाई पे चार डांडे, ऊपर चंद्रमा, छतरी पर कलश की शोभा। चार डांडों के ऊपर चार जंजीर मेहराब की चपरी के कड़े तक गई है, जंजीर मेहराब के कुंडे तक जाती हुई। तो इसी प्रकार से सब हिंडोले आए हैं। इन शोभा को मलाशिर जी के श्री वचनों से भी श्रवण करते हैं। हिंडोलों की बनक, ये सब हिंडोले खट छप्पर की भांति आए हैं। हर एक हिंडोले के नीचे चार पाए आए हैं, ऊपर दो ईश दो उपले आने से पलंग बन गया है, बीच की सब जगह निवास से बनी हुई है, ऊपर गादला चद्दर तक ये सब रखे हुए हैं। चार पावा पर चार डांडे, ऊपर एक छतरी, छतरी पर एक कलश आया है। चार डांडों के ऊपर चार जंजीर मेहराब की छतरी के कड़े तक गई है। तो इस प्रकार से सब हिंडोले आए हैं। सातवें भूमि की शोभा संपूर्ण